शहर के नवापुरा में स्थित बगलामुखी महादेव मंदिर में 3,100 जितने रुद्राक्ष भगवान शिव और मां पार्वती की छवि बनाई गई है। श्रावण महीने के मद्देनजर यह ध्यानाकर्षित छवि भगवान शिव के और मां पार्वती की बनाई गई है। खासकर लोगों को रुद्राक्ष का महत्व समझाया जा सके, इसीलिए मंदिर में यह छवि बनाई गई है। श्रावण महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व है और रुद्राक्ष का भी अलग महत्व है। दरअसल रुद्राक्ष दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। पहला अक्षर रुद्र है और दूसरा अक्ष। रुद्र का अर्थ शिव होता है और अक्ष का अर्थ होता है आंसू। सनातन धर्म के अनुसार माता सती जब अपने पिता से नाराज होकर हवन कुंड में कूद रही थी तो महादेव उनके जलते हुए शरीर को लेकर तीनों लोक में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। शिव के विलाप के कारण जिस जिस स्थान पर शिव के आंसू गिरे उन्हीं स्थानों पर रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव से जुड़े होने की वजह से रुद्राक्ष का बहुत ही महत्व है और इसे बहुत ही पवित्र भी माना जाता है। रुद्राक्ष के धारण मात्र से ही जीवन के सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं। यही नहीं, रुद्राक्ष का दर्शन करना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। श्रावण महीने के अंतिम कुछ दिन शेष है, ऐसे में शहर के शिव भक्तों ने शिव की ही अंश रुद्राक्ष से शिव और मां पार्वती की यह बेहतरीन छवि तैयार की है। करीब 3,100 जितने रुद्राक्षों का इस छवि में इस्तेमाल किया गया है। यह छवि शहर के शिव भक्त किशन शाह और बगलामुखी महादेव मंदिर के महंत जी ने बनाई है। श्रावण महीनो चाली रह्यो छे, श्रावण महीनानो अंत आई रह्यो छे। हवे तो अमने एवुं थयुं, विचार आव्यो के लोको घीमांथी तो बनावता होय छे, घीमांथी घीना कमळमांथी पण बनावता होय छे अने बधुं अलग अलग डेकोरेशन पण करता होय छे। तो अमने विचार आव्यो के आपणी जोडे रुद्राक्ष आटला बधा अति दुर्लभ पड्या છે જ ભગવાનની, આપણે એનું મહત્ત્વ પણ એટલું બધું છે તો લોકોને કેમ જણાવીએ ના, તો એના સંદર્ભમાં અમે લોકોએ, મેં એટલે મારું નામ કિશન શાહ છે અને મારા ગુરુ કે મંદિર જે મંદિરના મહંત છે એમને સાથે રાખીને અમે લોકોએ 3,100 જેટલા રુદ્રાક્ષ, નાના મોટા 3,100 જેટલા રુદ્રાક્ષનું અહીંયા શંકર ભગવાન, પાર્વતી માતા અને શિવલિંગનું નિર્માણ કર્યું છે અને જેની અંદર નાના, જે નાની સાઇઝના રુદ્રાક્ષ કહેવાય એ 800 થી 1,000 જેટલા છે અને બીજા જે મોટા છે એની અંદર 5 મુખી 4 મુખી 6 મુખી અને દુર્લભ જે કહી શકાય કે જે ગૌરી શંકર દુર્લભ કહેવાય એની 32 મણકાની આખી માળા છે જે શિવજીને ચડાયેલી છે અને જે પલ, જે ચંદ્ર છે એને આપણે જે પલ કહીએ છીએ તે બસરા મોતીના રિયલ જે મોતી છે એનામાંથી બનાવેલા છે। ઉદ્દેશ એટલો જ છે કે રુદ્રાક્ષનું ઘણું બધું મહત્ત્વ છે તો રુદ્રાક્ષનું ધાર્મિક તો મહત્ત્વ છે જ, આયુર્વેદિકની રીતે બી મહત્ત્વ છે અને લોકો માને પણ છે, પણ રુદ્રાક્ષ જે નથી લોકોને જોવા મળતા દુર્લભ હોય છે એ પણ અહીંયા જોઈ શકશે, એનો જ હેતુ છે કે અહીંયા જોઈ શકશે।